नमस्कार, स्वागत है आपके सत्यमेव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। आई शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कर्नल ने प्रमोशन की पार्टी के बहाने दोस्त को नशीली ड्रिंक पिलाकर उसकी रशियन मूल की पत्नी के साथ रेप जैसा दुष्कर्म किया। सीओडी स्थित सरकारी बंगले पर हुई शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, पर डीआईजी के हस्तक्षेप पर कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पिछले 5 दिनों से फरार चल रहे कर्नल को आखिरकार नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर निवासी दोस्त की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में तैनात कर्नल नीरज गहलोत उनके पुराने मित्र हैं। वह सीओडी ऑफिसर्स मेस में रहते हैं। गुरुवार की रात को नीरज गहलोत ने परिवार सहित डिनर पर बुलाया था। वह अपनी रशियन मूल की पत्नी के साथ करीब 9 बजे गहलोत के सरकारी बंगले पर पहुंचे। ड्रॉइंग रूम में बैठे और कर्नल ने उन्हें ड्रिंक दी। ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गए। इसके बाद नीरज उनकी पत्नी को घसीटते हुए बेडरूम ले गया। विरोध करने पर उसे इस कदर पीटा कि वह बेहोश हो गई और इसके बाद दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के मुताबिक कुछ देर बाद होश आया तो कर्नल के बेडरूम में जाकर देखा तो वहां पर बेहोश पत्नी पड़ी हुई थी और गहलोत भी मौजूद था। दोस्त के मुताबिक उसने कर्नल को पीछे से घसीटा और उसे थप्पड़ मारे, कर्नल जिसके बाद वहां से भाग निकला। घटना के बाद उसी रात को दंपति सीधे लखनऊ निकल गए। उन्होंने गोमती नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, पर पुलिस ने जवाब दिया कि जहां की घटना है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। वहीं एएसपी कैंट निखिल पाठक ने बताया कि कैंट थाने में तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी हो चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाएगा। बता दें कि कर्नल की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई थी और 5 दिन से फरार चल रहे कर्नल नीरज गहलोत को आखिरकार नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। मैं राजनंदनी आपसे विदा लेती हूँ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।